अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास इलेवंथ से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास इलेवंथ का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले साथियों 15 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो बना, हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मैं जो भी डालता हूँ ओरिजिनल रहता है, और आपको मैंने पीछे जो भी पेपर दिया था सारा का सारा सेम टू सेम आया था, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये थोड़ा मैं जो यहाँ पर लगा दिया हूँ, चैनल का ज्यादा नाम लिखा है, ये थोड़ा इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि कॉपी वगैरह होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर है जो कॉपी कर लेते हैं, इस कारण से मैंने लगा दिया है, ठीक है, ताकि कॉपी ना करे, ठीक है। तो चलिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आप लोगों का अगर साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आपका तीनों सब्जेक्ट में सेम ही आपका विषय कोड रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला आपका जो है ना साइंस अगर आप लोगों का सब्जेक्ट होगा तो विषय कोड आपका 106 होगा, और यदि आप लोगों का जो है ना कॉमर्स होगा तो 206 रहेगा, और आर्ट्स होगा तो 306 आपका विषय कोड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप प्यारे बच्चों यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह भी देख सकते हो, सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। पैटर्न वगैरह आपको पता होना चाहिए। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है जिसमें से आपको 50 बनाना होता है। टोटल 6 प्रश्न आपको जो ना सब्जेक्टिव में मिलता है जिसमें से आपको 6 में से 6 बनाना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, टोटल आपको 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में टाइम मिलता है, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए, फटाफट से बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जो ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो ना जुड़ पाएंगे, ठीक है, और डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम सिखाएंगे। उससे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आपसे सबसे पहले जो है ना यहाँ पर खंड में बोला जाएगा टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, देखिए टोटल 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको मात्र जो है ना 50 प्रश्नों को ही बनाना है। 50 प्रश्नों को ही आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बनाना है ना। चलिए, मैं फटाफट से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की पृथ्वी, ठीक है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना पृथ्वी का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना ऑप्शन बी होगा, ये नोट कर लिया, पृथ्वी प्लस ईस होगा, ऑप्शन नंबर पहला का बी नोट कर लीजिए, ठीक है, पहला का बी नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, दो नंबर क्वेश्चन है, बोला गया निम्नलिखित में से को जो है ना कौन जो है ना विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका मनोयोग होगा, ऑप्शन क्या होगा, दो नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की सत्परस चरित्र से जो है ना चरित्र पदोष की जो है ना संधि क्या होगी, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ नोट कर लेना, 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप नोट कर लेंगे जो ना प्यारे बच्चों, सचलित्र यानी ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि क्या है ना, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका डी होगा, ये जो ना परोजस्वी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का प्यारे बच्चों डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे आप देख लेना क्वेश्चन क्या आपसे बोला है, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मतदाता शब्दों में कौन सा ऑप्शन समास है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका करण तत्पुरुष होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, करण तत्पुरुष होगा, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, आगे आप देख लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो ना अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो आप नोट कर लेना, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ये आपका जो है प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन क्या होगा, आप नोट कर लेना, 6 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बोला जा रहा है कि बिना जो ना प्यारे बच्चों बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो बिल्कुल आप 7 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बहुव्रीही समास होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है, तो 8 नंबर का आप नोट कर लेंगे, राइट आंसर प्यारे बच्चों जो है ना आप नोट कर लेना, 8 का राइट आंसर ऑप्शन होगा ए, यानी कि द्विगु, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और प्यारे बच्चों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेनिफिट क्या होगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर क्लास 12th का पढ़ाई कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, यानी तैयारी हो रहा है, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका तैयारी होता है, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैं बता दूँ प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से ना आपको हर एग्जाम में क्लास 9th से लेकर 12th तक में जितना भी एग्जाम होता है सब में वायरल पेपर आपको दिया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल, जिस प्रकार से अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखना 15 मार्च को बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम आएगा, आप एग्जाम देख के आओगे प्यारे बच्चों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसा गया था एग्जाम, और आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिए कि आपने जो एग्जाम देकर के आया था आज, यानी कि आज आपने ज्योग्राफी एंड जो है ना प्यारे बच्चों बायोलॉजी एंड मैथ कर देकर आया था, तो क्या आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम मिला था या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, और प्यारे बच्चों आप लोगों का अगर भाई बहन 9th में, तो उनका भी इस चैनल पर पेपर डाला जाएगा, तो आप जरूर जो है ना हमारे साथ जुड़ के रहिए, आगे हम बताएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है।
चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है जो ना मुझ अभागे ने भी जो ना वही गलती की, या बता किस क्रिया प्रबंध का उदाहरण होगा, तो आप नो का नोट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जो ना संख्या प्रबंध होगा, क्या होगा संख्या प्रबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों, विभा आज जो ना विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, बताइए इस वाक में किस प्रकार का जो ना प्यारे बच्चों उदाहरण है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये जो है ना सरल वाक होगा, ऑप्शन आप नोट कर लेना, 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि मैंने खाना नहीं खाया, किस वाक का उदाहरण है बताइए, तो बिल्कुल देखिए आप नोट कर लीजिए, ये जो है ना मैंने खाना नहीं खाया इस प्रकार से बोला, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना, निषेधवाचक जो ना वाक ऑप्शन क्या होगा, यहां पर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन होगा बी, ठीक है ऑप्शन क्या होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित जो ना निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए क्या है, ठीक है तो आप नोट कर लीजिए, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों ए, या आपका होगा उसकी आवाज को जो ना कान में सुनाई पड़ी, तो ऑप्शन यहां पर नोट करिएगा 12 का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल जो ना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आप प्यारे बच्चों, यहां पर देख लीजिएगा इस प्रकार से नंबर आपका पेज के ऊपर में लिखा रहता है ना विषय कोड जो होता है, देख लीजिए 106 आपका साइंस का और कॉमर्स का, 206 है आर्ट्स का, 306 विषय कोड, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं फेक नहीं डालूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेरी जानो प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, इसलिए मैं फेक नहीं डालूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, आप बिना जो ना डाउट के आप ले जाना इसको एग्जाम में, ठीक है, और गर्दा मचा देना क्योंकि 11th है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से कहा जाए तो बोर्ड एग्जाम ही आपका चल रहा है, आप देखो तो पेपर भी बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे पूछा जा रहा है ना, तो प्यारे बच्चों आपके लिए बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल अच्छी तरीके से दो एग्जाम और पूरा कंटिन्यू प्यारे बच्चों अच्छा मार्क्स लाना, ठीक है। अगर मान लो आपके स्कूल या कॉलेज में मार्क्स सुना जाए तो बिल्कुल हमें जरूर बताना आप लोग, ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम बताएंगे, बस आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि लाइव क्लास डेली रात में 8 बजे होता है प्यारे बच्चों, आज शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो आपका पेपर डाल रहे हैं इस कारण से, नहीं तो बिल्कुल होता, ठीक है। चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, जो ना आसन शब्द का जो ना विशेषण शब्द क्या होगा बताइए, तो बिल्कुल 13 का नोट कर लेना, राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आसन है ना, आसन का जो होगा आसीन क्या होता है, आसीन होता है, ऑप्शन सी होगा, नोट कर लेना, ठीक है ऑप्शन क्या होगा सी होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपसे बोला जा रहा है 14 नंबर, कलंक शब्द का विशेषण बतला दीजिए, तो बिल्कुल आप 14 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, कलंकित कलंकित होगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम बतला दीजिए, क्या होगा अनुराग शब्द का विलोम, ठीक है तो 15 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन होगा विराग, क्या हो जाएगा अनुराग का विराग, ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आपसे अनुकूल शब्द का विलोम क्या है ना, तो बिल्कुल आप 16 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ये आपका अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है गमन शब्द का बताइए विलोम क्या होगा, गमन गमन का क्या होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल गमन यानी कि क्या हो सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, गमन का आगमन होता है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते चलना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मुंह में जो ना कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ बतला दीजिए, क्या होगा मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कलंकित लगना, कलंकित कलंक लगना यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो ना राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट होगा। अब चलो प्यार बच्चों अब जो है ना मैं पहले आप जो 19 नंबर से आंसर बताऊंगा आगे, उससे पहले ना मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है इस क्वेश्चन का पेपर और आंसर की वगैरह सारे, मतलब अभी आर्ट्स वाले बच्चों का एग्जाम ऑलमोस्ट चलेगा और कॉमर्स वाले का भी, साइंस वाले बच्चों का लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट कोई ना मैं बता देता हूं फ्यूचर में प्यार बच्चों, अगर मान लो कभी एग्जाम के टाइम में कोई टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाते तो आप वहां से जाकर के कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहां पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ही आंसर की आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जान लेते हैं कैसे करना है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर होगा ही, आपको क्या करना है ओपन कर लेना है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर एक सर्च बार का जो है ना आइकन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आप एक बार चैनल का नाम देख लो, आपको वैसे सभी बच्चों को पता ही होगा जो न्यू बच्चे आए उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है समझ में, ठीक है, तो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, इतना आपको क्या कर लेना है सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा ना ऊपर करिएगा, तो देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलता है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, तो इस पर प्यारे बच्चों आपको यहीं पर मिलता है ओरिजिनल पेपर का आंसर, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ही आएगा प्यारे बच्चों यहां पर देखिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, देखिए यहां पर कक्षा 11वीं यानी क्लास 11 का एक सेशन है, इस प्रकार से यहां पर लिखा फर्स्ट में मिलेगा क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024, तो फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने देखिए प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से जो ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप क्या करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट का साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, ठीक है, करना कुछ नहीं आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना, और बार बार मैं बोला था आपको
व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो प्यारे बच्चों आप एक बार वीडियो को रोक लो और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ट्वेल्थ में आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल आपका मंथली एग्जाम भी आगे चलेगा, साथ में वो नहीं भी चलता वैसे तो चलेगा, और मैं अगर आपका सपना है 2025 में प्यारे बच्चों टॉपर बनने का, 450 मार्क्स लाने का, तो बिल्कुल ला सकते हो, मैं आपको फ्री में नोट्स वगैरह भी दूंगा पूरा, तो आप जल्दी से ज्वाइन आप क्लिक करके ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो ना यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक दिया गया, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर प्यारे बच्चों नहीं सब्सक्राइब कर तो कर लो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आएंगे, देखिए साइंस का ये सेशन है, साइंस का ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है, बस आपका हिंदी इंग्लिश का ही बचा है ना, तो आप हिंदी इंग्लिश उर्दू का कोई भी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए हिंदी इंग्लिश कहीं भी, मैं आपको बताऊंगा कहीं से भी कर सकते हो। तीनों सेशन में थोड़ा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए समझा देते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों का ऑल पेपर मिलेगा, पेपर नेम डाउनलोड लिंक, अगर मान लो बाई चांस हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आकर के डाउनलोड जरूर कर लेना, इंग्लिश हिंदी फिलोसफी, उसके बाद देख लीजिएगा इंग्लिश है हिंदी है फिलोसफी है हिस्ट्री है सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए साइकोलॉजी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, होम साइंस म्यूजिक हो जाएगा, एंड उर्दू इंग्लिश उर्दू हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, संस्कृत सारा टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर है प्यारे बच्चों, वो लोग अपना आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिएगा इंटर्नशिप है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर है, इसके बाद उनको जो है ना हिंदी इंग्लिश सब यहाँ पर टोटल उर्दू है। अब चलिए कहीं किसी भी सेशन से आप हिंदी इंग्लिश उर्दू का कर सकते हो, क्योंकि तीनों का सेम ही रहता है, तो हमें हिंदी का करना है तो डाउनलोड है ना लिखा हुआ इसके सामने, डाउनलोड पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे क्लिक करेगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस पे आना, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते आपको जो है ना नीचे इस प्रकार से चलेना, इस प्रकार से आना प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर जो अभी अब सारे ऑब्जेक्टिव कैंसर की जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे ऑब्जेक्टिव कैंसर की मैं यहाँ पर डाल दूंगा, बिल्कुल मैं डाल दूंगा प्यारे बच्चों, वीडियो जैसे ही समाप्त होगा क्लास आपका मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन डाल दूंगा, आप यहाँ से आकर के भी आराम से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की प्यारे बच्चों अभी हम नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आपको इस वीडियो में आंसर की बताएंगे, इसलिए वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बट प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव आंसर की डाला जाएगा, तो यहाँ से आप जरूर जो है ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ना जो है ना कुछ ही देर में सब्जेक्टिव का भी आंसर की डालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों आप फटाफट से जो ना आंसर के हम बता दें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाए कि नाच ना जाने जो है ना आंगन जो है ना टेढ़ा लौकिक गीत का अर्थ बतलाइए, तो बिल्कुल आप नोट करिए 19 नंबर का ना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप नोट कर लीजिए, काम ना जानना और बहाना बनाना ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो क्या होगा पछताना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो बिल्कुल विशेषज्ञ होगा, क्या होगा विशेषज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विकल्प जो ना खड़ शब्द का जो ना अनेकार्थी है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना 22 का ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल होगा ए, आप नोट कर लेना जो ना कनक कठूर और सोना, ऑप्शन क्या होगा 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द बतला दीजिए, तो आपको पता है ना स्त्री का, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे बर्निटा, बर्निटा ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा, 23 का आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा। और प्यारे बच्चों कैसा लगता है हमारा क्लास आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची आप बता दीजिए, तो समुद्र है ना, तो बिल्कुल आप 24 का नोट कर लीजिए, ये होगा आपका जो ना नीर जो ना निधि, नीर निधि ऑप्शन सी होगा। बढ़ते आगे, आगे देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक के कितने भेद हो सकते हैं, तो ये टोटल आपका प्यारे बच्चों जो होगा आप नोट कर लेना चार, कितना हो जाएगा चार, 25 है ना, 25 है प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों आठ होगा, क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन क्या होगा डी राइट। बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 26 बोला गया जो ना गुलाम शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए, तो बिल्कुल आप 26 का नोट कर लेंगे, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट कर लेना आव, क्या हो जाएगा आव, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन बोला है आपसे बोला है कि सुनहरा शब्द में प्रत्यय क्या हो सकता है, सुनहरा, तो बिल्कुल सुनहरा में हरा, हरा होगा आपका क्या प्रत्यय, तो ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल ए करेक्ट होगा, 27 का नोट कर लेना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन है रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या है ना, रंगीला शब्द में बिल्कुल आप नोट कर लेना ईला, क्या जगह ईला, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे आप लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सुभा जो ना सुभाती जो ना सुभाती शब्द में उपसर्ग क्या है, तो बताइए, तो सु होगा, ऑप्शन होगा सी, आप 29 का नोट करेंगे तो क्या होगा 29 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते आगे,
आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न बोला जा रहा है कि जो ना प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है, तो प्रलय बोला है ना, तो प्रलय में प्रो होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। देखिए 30 का क्या ऑप्शन डी है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो ना आपसे यहाँ पर 31 नंबर बोला जा रहा है जो ना, क्या पूछा गया, उपनाम शब्द में बताइए क्या होगा उपसर्ग, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका उप होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप 32 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 प्रकार, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित शब्द में कौन शब्द जो ना रूट शब्द का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल रूट का बोला गया है, तो पीला क्या हो जाएगा, पीला, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 33 का क्या नोट करिएगा, सॉरी प्यारे बच्चों पीला नहीं होगा, पंकज होगा, एक सेकंड, पंकज होगा ना, ऑप्शन डी नोट कर लेना, 33 का क्या होगा, 33 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आगे आप देखिएगा, आगे देखना क्वेश्चन नंबर क्या बोला है प्यारे बच्चों, आपसे 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, घुड़सवार शब्द में किस शब्द का उदाहरण है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना बी, आप नोट कर लीजिए, यौगिक शब्द होगा, क्या होगा, यौगिक शब्द, समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आप देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का जो है ना उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल आप 35 का नोट करिए, 35 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है ना सी होगा, आप नोट कर लीजिए, ये आपका मूड होगा, क्या हो जाएगा, मूड, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे बोला जा रहा है कि पगड़ी शब्द क्या है, तो देखिए पगड़ी कहां पर माना जाता है, गांवों में ना, तो देशज शब्द होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आगे देखो आप लोग, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। 37 नंबर देखना, मोहन धीरे धीरे जो ना टहलता है, बताइए यह किस वाक का उदाहरण होगा, तो बिल्कुल देखिए मोहन धीरे धीरे टहल रहा है, सिंपल सा क्रिया यानी कि काम कर रहा है ना, तो बिल्कुल 37 का ऑप्शन सी नोट कर लेंगे, क्रिया विशेषण का, तो ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा ना प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से बताओ तो सी होगा ना। चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है तद्भव जो ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा कत, ठीक है ना, कत इस प्रकार से लिखा गया, कत्वा गीत गा रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बताइए गीत गा रहा है किस वाक का उदाहरण हो सकता है, तो बिल्कुल यहां पर देखिए गीत गा रहा था है ना, था मतलब भूतकाल, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से, हुआ जो है ना वह नहाकर मंदिर गया, बताइए किस क्रिया का उदाहरण, तो नहा करके वो मंदिर गया है, मतलब क्या हो रहा है वो जो ना, क्या हो रहा है, बिल्कुल आप बताइए, बिल्कुल देख लेते हैं 39 का क्या आप लोग बता रहे, बताना भी आप लोग जरूर, ठीक है। बिल्कुल देखिए 39 का ऑप्शन बिल्कुल बी होगा, या पूर्वकालिक जो है ना, पूर्वकालिक क्रिया का ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला 40 नंबर की, मेरा कुत्ता जो ना काला है, इस वाक में विशेषण क्या होगा, तो बिल्कुल विशेषण कुत्ता ही ना होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ना बी राइट हो जाएगा। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 41 बोला गया कि मध्य पुरुष किस सर्वनाम के भेद है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, मध्यम पुरुष, ठीक है, तो मध्यम पुरुष जो सर्वनाम होते किस भेद किसके, तो बिल्कुल आप 41 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ना ए बिल्कुल राइट होगा, या पुरुष जो ना पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो ना राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं खाया किस जो ना इस वाक में कुछ जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये जो ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, 42 का नोट कर लीजिए, तो 42 का ऑप्शन सी होगा राइट, ठीक है। चलो बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आप 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, बताइए इसमें किस कारक का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। तो देखिए 43 नंबर है ना, मुझे अपनी कमाई से मिलता है, मतलब सिंपल सा है, मतलब क्या है, 43 है ना, तो सिंपल सा है कि करण कारक का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर आपसे ना 44 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला, महेश की किताब किस वाक के कौन कारण है, बताइए महेश की किताब इस वाक में कारक क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, आप नोट कर लेना 44 का राइट आंसर, देखिए 44 है ना, एक सेकंड प्यारे बच्चों देख लेते हैं, महेश की किताब है, ठीक है, महेश की किताब मतलब सिंपल सा है संबंध, हाँ संबंध यानी कि किताब के बीच और महेश के बीच संबंध है, तो संबंध कारक होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या है, नदी का नदियां होता है, नदी का नदियां, ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा, समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों, समझते भी चलना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना आपका फाइनल जो 25 में होगा 2025 में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलो क्वेश्चन है कि आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ठीक है, आशीर्वाद शब्द में किस लिंग का यहाँ पर उदाहरण, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, पुल्लिंग शब्द होगा, पुल्लिंग होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। देखिए 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो रहा है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे बढ़ते हैं, आप 47 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो लिखावट पूछा है ना, तो 47 नंबर है ना, क्या सेकंड पर बच्चों 47 है, तो 47 का बिल्कुल राइट होगा, स्त्रीलिंग, क्या होगा, स्त्रीलिंग, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते आगे,
आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प जो ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। भाववाचक यानी कि विनम्रता, विनम्रता से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, 48 का सी करेक्ट, हाँ सी है ना, सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बोला गया मंडल शब्द में क्या संज्ञा हो सकता है, तो बिल्कुल मंडल में क्या है, मतलब सिंपल सा है, आप नोट कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 है ना, 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका जो ना द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा डी। चलो बढ़ते आगे, बोला क्या गया, बहुत आसान, बोला नौ, बोला गया नौ का उच्चारण संख्या नौ, नौ बोल के देखिए तो नौ 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 कहां पर जोर पड़ा है, नौ नौ बोल के देखिए बार बच्चों, बिल्कुल ये जोर पड़ रहा है आपका कहां पर, तो दांत पर, दंत, ऑप्शन सी होगा। चलो बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 51। बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि उष्म व्यंजनों की संख्या बता दीजिए, तो संख्या कितनी है, तो चार, कितनी होगी, चार, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आप 51 का नोट कर लेना, 51 का क्या होगा, बी होगा। चलो बढ़ते आगे, बढ़ते आगे 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो बिल्कुल दीर्घ स्वर ई होगा, क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या नोट करिएगा, 52 का सी नोट करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते आगे, आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला, 53 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी की नहीं है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। देखिए 53 का आप नोट कर लेंगे, राइट आंसर होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना ए, ये आपका पुष की रात, क्या होगी, पुष की रात, ऑप्शन क्या होगी, ए बिल्कुल राइट होगी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54 आपसे बोला जा रहा है जो ना, चलचित्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल यह सत्यजीत राय होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। 54 का ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लेना, बी नोट कर लेना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, गाँव के बच्चे की शिक्षा किस पाठ, इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, तो बिल्कुल गांव के जो बच्चे की शिक्षा है, इस पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बतला देना है, ठीक है, बतला दीजिए, जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है बताइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल अगर बता रहे तो अच्छी बात है, फणेश्वर नाथ रेणू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला गया निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, तो बिल्कुल यहां पर देख लीजिए रामचंद्र शुक्ल, ये आपको पता है ना, प्रेम कविता की परख, यही है ना, बताइए तो 56 का बिल्कुल कविता की परख, ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये निबंध में क्या है, 57 है ना, एक सेकंड हम देख भी लेंगे, तो बिल्कुल सही है, निबंध में होगी, ऑप्शन ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कविता की प्रक शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो बिल्कुल ये निबंध में लिखी गई, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 58 का बिल्कुल सी होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 59 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है आपसे कि जो ना पहले बच्चों ओडोन, ठीक है ना, ओडोलन जो ना, ओडोलन जो ना अश्मे जो ना अश्मेलकल रचित पाठ का नाम बतला दीजिए, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 59 नंबर का राइट आंसर जो है ना आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका सूर्य होगा, क्या होगा, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 बोला, प्रेमचंद ने किस नाम से जो ना लेखन क्या था, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, ये आपका जो ना प्यार बच्चों नोट कर लेना, ये हो जाएगा नवाब राय, नवाब राय, ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल 60 का राइट होगा। चलो प्यार बच्चों, लगभग मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन बनाना था, ज्यादा ही मैंने बता दिया, बट और भी बता देते हैं, सारा क्वेश्चन वगैरह जानना भी जरूरी है आपके लिए। तो 61 नंबर का देखिए उत्तर हमसे नहीं मिल पाया था, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे कहां पर, डायरेक्ट हम लोग बढ़ेंगे 64 नंबर का उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है, जो जो हमें पता है हम बताते चलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 64 नंबर बोला जा रहा है, बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि बताइए किस जो ना कितने जो ना किसने कुल 13 जो ना 43 वर्ष की जीवन काल में जो ना विवादास्पद चर्चित और विशिष्ट कहानियां लिखी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल जो ना क्या हो जाएगा, असादत्त हसन महतो, ठीक है, इस प्रकार से मंतो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखिएगा जो ना 65 का तो नहीं है उत्तर, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिए 67 नंबर का देख लीजिए, 67 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है जो ना तिलोक जो ना प्यारे बच्चों देख लेना, देख लेना तिलोन टिलीफर जो ना टिलोफर का पहला कविता संकलन क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करना, 67 का ऑप्शन नंबर होगा ए, आप नोट कर लेना, धरती, क्या होगी, धरती होगी, ठीक है। चलिए अगर बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, आपको बताएंगे डायरेक्ट जो ना प्यारे बच्चों, आप नोट करना एक सेकंड प्यारे बच्चों। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 69 नंबर का नोट करना, 69 नंबर क्वेश्चन जो है ना बोला गया नरेश जो ना सक्सेस का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 69 का भी ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए, ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन बी होगा। 70 नंबर का भी हम बताएंगे आपको, 70 का नोट कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था, तो आप 70 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, यह आनंदी देवी और माता का नाम था, पिता का नाम मुंशी जो ना अजाब यव था, तो ये आपको ऑप्शन डी नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन जो बोला आपसे 71 में बोला रामचंद्र शुक्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आप 71 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, नागरी प्रचारिणी सभा का, ऑप्शन बी होगा। चलिए 72 नंबर का भी हम बता देते हैं आपको, 72 में क्वेश्चन बोला गया 1857 के गदर का आंख देखो जो ना आंख देखा जो ना विस्तृत विवरण जो ना प्रमाणिक रूप से किससे जो ना किसने प्रस्तुत किया, तो आप 72 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल यार सत्यजीत रॉय ने, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए और हम लोग आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर पैरा बच्चों 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं, 74 का नहीं 76 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 76 का हम आपको उत्तर बताते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है पैरा बच्चों की बताइए वियतनाम की राजधानी क्या है, तो बिल्कुल आप 76 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ये आपका जो ना हनोई हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया शानी किस कहानी की मुख्य पात्र है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 77 का ऑप्शन बी होगा, या सिक्का बदल गया ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हम आपको बताएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए 79 नंबर है ना, बोला क्या गया, बोला कि निम्नलिखित में से किसकी जो ना ख्याति जो ना व्यंगर कार्य के रूप में, तो बिल्कुल आप इसका नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना सी करेक्ट होगा, आप नोट कर लीजिए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब जो है ना पैर बच्चों हम डायरेक्ट आपको 81 नंबर का बता देते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क का जो ना मशहूर इनमें से शहर क्या है, मतलब क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, देखिए कोणार्क का तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, आपका सूर्यमंडल होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट हम आपको बताएंगे 85 से आंसर, ठीक है। चलिए 85 से बताएंगे, ठीक है। चलिए 85 से देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला, बहुत आसान बोला क्वेश्चन, फ्रांस द्वारा जो ना शासित जो ना पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में किस जो ना लेखक का जन्म हुआ था, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 85 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी, आप नोट कर लीजिए जो ना सआदत हसन मंतो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है पैर बच्चों, ये आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है बहुत आसान क्वेश्चन, बोला कि जो ना अपभ्रंश भाषा का जो है ना पर्वती रूप क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 86 का ऑप्शन होगा भी, ये आपको जो ना प्राकृति होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कवि विद्यापति के शिक्षा जो ना शिक्षा गुरु कौन थे, तो बिल्कुल 87 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, ये आपका श्री जो ना डॉक्टर पंडित श्री हरि, ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा 87 का, ठीक है। चलो बढ़ते आगे पैर बच्चों, आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की बीजक के रचनाकार कौन है, तो आप 88 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना पैर बच्चों 88 है ना, एक सेकंड हम देखते हैं, चलिए 88 का नहीं 86 का नहीं, चलो डायरेक्ट 90 का हम बताएंगे, ठीक है 90 का बताएंगे, चलो इसका नहीं हम इसका नहीं पता है, 90 का देखिए 90 का प्रश्न बोला, 90 नंबर बोला कि राम जो ना जतु पै गुरु ना बीमा जो ना विषाऊ पंक्ति बताइए किसकी है, तो बिल्कुल आप नोट करिए, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, ये आपका बिल्कुल इनमें से किसी का नहीं होगा, इनमें से किसी का नहीं, ठीक है। अब चलो अब किसका उत्तर बताएंगे, तो अब हम बताएंगे पर बच्चों जो ना लगातार बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे 93 91 का 92 का, ठीक है। चलो 91 92 का बताते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला, बोला कि आपसे निम्नलिखित में कौन जो है ना राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये हो जाएगा आपका जो है ना बिल्कुल ये बी होगा, आपका जगह मैट्रिकलन मैट्री सरन ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन 93 नंबर देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का क्या नाम था, तो आप 93 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना सी, आप नोट कर लेंगे, आपका जो ना प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए मनोहरा देवी, ऑप्शन होगा सी। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना हम आपको नहीं बताएंगे, वैसे सारा प्रश्न मेरे पास आप देख सकते हैं, टोटल प्रश्न मेरे पास आ चुका है, बहुत पहले ही आया था, हम लेट को जानकर ही डालें, क्योंकि क्या होता है ना हम पहले अगर डाल देंगे प्यारे बच्चों तो सभी लोग क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके मतलब क्या होता है स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के डाल देते, इसलिए हम नहीं डाले थे। बट पैर बच्चों आप देखो अब सब्जेक्टिव बचा है ना, इंग्लिश का भी हम सब्जेक्टिव अभी नहीं डाले हैं, तो हम ना आप क्या करें इंग्लिश और प्लस में हम लोग हिंदी का दोनों का सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है। और जहां से बताएं वहां पर पहले ही डाला जाएगा, वहां से आपको जाकर के बार बार चेक करते रहना, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद जो है ना हम कभी भी लाइव हम प्यार बच्चों जो ना सब्जेक्टिव का वीडियो भी लाएंगे अलग अलग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम लगभग 10 बजे होता है, उससे पहले ही हम लोग डालेंगे प्यार बच्चों, मतलब सुबह में ही डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का एग्जाम आज कैसा गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।